वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जीके जीएस के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले भी हम इस सीरीज़ के 5 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं और आगे आने वाले भी टाइम में भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड करने वाले हैं जीके जीएस पर और बाकी मैथ्स रीजनिंग पर। तो जिन लोगों ने पीछे एक वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं इस चैनल के। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिस पर कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आने वाले हैं और मैं अपलोड करता रहता हूँ SSC CGL के लिए या फिर LDC के लिए या फिर बैंक के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो आइए आज का हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के SSC CGL में, GKGS होता है Tier 1 में, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड। तो इसमें कि ये भी होता है वायुमंडल। तो वायुमंडल होता क्या है एक्चुअली? इसको एक्चुअली वायुमंडल होता है पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारा वायुमंडल 5 पार्ट में बटा हुआ है। तो आपको डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा वायुमंडल का आवरण होता है, तो आपको बताना है क्षोभ मंडल। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन मंडल क्या है, ओजोन मंडल की हाइट कितनी होती है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो इसका जो 5 पार्ट में बांटा गया वायुमंडल को, तो इसका याद करने का ट्रिक है धरातल से ऊपर की ओर, यानी कि धरातल से ऊपर की ओर हम क्या याद करेंगे, छात्र सभाओं में आके बोल। ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है, छात्र सभाओं में आकर बोल। तो इसका हम छात्र का मतलब याद रखेंगे क्षोभ मंडल, छात्र से हो गया क्षोभ मंडल। इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वो ट्रोपोस्फेयर याद करेंगे, लेकिन ट्रिक तो हिंदी में है तो आप दोनों याद रखेंगे। क्षोभ मंडल 8 to 10 किलोमीटर, यानी कि जमीन से 8 to 10 किलोमीटर पे क्या है क्षोभ मंडल। सभाओं है उसके बाद, तो सभा का मतलब हुआ समताप मंडल। स्टेट्रोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल 10 किलोमीटर तक हो गया, 10 to 32 कौन सा हो गया समताप मंडल। उसके बाद फिर आ जाता है ओ, सभा तक तो हो गया था ओ का मतलब हुआ ओजोन मंडल। मोसोस्फेयर यानी कि 32 तक तो समताप है, 32 to 60 ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी होता है लेकिन अप्रोक्स यही होता है। ओके, मे का मतलब हुआ, यहाँ पर मे दिया हुआ है, मे का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। आके का मतलब हुआ आयन मंडल, आके को हम याद रखेंगे आयन मंडल। लोनोस्फेयर 62 to 640 किलोमीटर। ओके, बोल का मतलब याद रखेंगे वायुमंडल। एक्सोस्फेयर 640 किलोमीटर से प्लस। एक्चुअली याद तो सबको रहता है कि कौन कौन सा मंडल होता है, लेकिन उनको लाइन याद नहीं रहता कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। इसके लिए आप ग्रेट ट्रिक याद रहता है तो आसानी से आपको याद रहेगा। उसके बाद कहता है कि वायुमंडल के निचले हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें भारी गैसें ज़्यादा पाई जाती है। ये तो फिक्स है कि हम लोग जिस वायुमंडल में रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यही सब तो गैस है। नाइट्रोजन 78 एक्चुअली 77 अप्रोक्स 77 अप्रोक्स नाइट्रोजन है, 22 अप्रोक्स ऑक्सीजन है। तो और सबसे ऊपर के हिस्से में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन और जैसे हल्की गैस। ये तो काफ़ी सिंपल चीज़ है कि जो चीज़ हल्की रहेगी वो ऊपर होगी, जो भारी रहेगी वो नीचे होगी। ओके, तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन ये सब क्या है, हल्की गैसें हैं। अब ओजोन परत, ओजोन मंडल जो हुआ, आपको ओजोन परत के बारे में पता होगा काफ़ी कुछ। जिन लोगों को नहीं पता मैं आगे की वीडियो में जरूर बताऊंगा, अभी ये काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है तो मैं काफ़ी शॉर्ट में इसको आगे लेकर के जा रहा हूँ। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को कहते हैं डॉप्सन। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है कि ओजोन परत की मापने की कौन सी इकाई है, तो डॉप्सन। या फिर ये भी पूछता है कि डॉप्सन किसकी ऊंचाई है, उसमें किसकी इकाई है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें एक रहेगा ओजोन परत की मोटाई मापने की, तो आप लिखेंगे ओजोन परत की मोटाई मापने की। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। आपको ये भी पूछा जाता है कि एरोप्लेन, काफी क्वेश्चन में मैं देखा हूँ कि एरोप्लेन जो है किस मंडल में उड़ता है। ओके, एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है, तो ये सब काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका याद करने का, किस मंडल में कौन सा काम होता है। अलग अलग मंडल है, अलग अलग एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, अलग अलग गैसें होती है, तो इसके लिए इसका ट्रिक है वर्षा आंधी लाए क्षोभ। ओके, वर्षा आंधी लाए क्षोभ मंडल, समताप उड़ाए वायुयान, ओजोन करे हमारी रक्षा, ओजोन करे हमारी रक्षा, KFC करे सत्यानाश, KFC करे सत्यानाश, सिग्नल मिलाए आयन मंडल, ही करे वायुमंडल। इसका हम देखते हैं
वर्षा आंधी लाए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल का कौन सा काम है और क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, क्षोभ मंडल की विशेषताएं क्या है। कहता है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो हम पिछली ट्रिक में देख चुके हैं सबसे नीचे कौन है, क्षोभ मंडल। इसमें संवहनीय परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, यानी कि जो भी बारिश हुआ ये सब बारिश आंधी तूफान ये सब कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। आगे कहता है समताप उड़ाए वायुयान, यहाँ पर देखिए समताप मंडल में वायुयान उड़ाने का आदर्श दशा पाई जाती है, यानी कि वायुयान किस मंडल में उड़ती है। अब जो भी एरोप्लेन देखते हैं आसमान में वो कहाँ होती है, ज्यादातर समताप मंडल। आप हेलीकॉप्टर को तो नीचे भी देखते होंगे, मैं वायुयान की बात कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ कभी कभी विशेष मेघों का भी निर्माण होता है, यानी कि कभी कभी अलग टाइप के बारिश का भी यहाँ पर हो जाता है। अब है ओजोन करे हमारे रक्षा, ये तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ओजोन परत से वो पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, इसके कारण हमारे यहाँ पर पराबैंगनी किरण नहीं आती, इससे हमारी रक्षा होती है, नहीं तो स्किन कैंसर हो सकता है। ओके, आगे है सुरक्षा कवच कहते हैं। अब इसके आगे है पराबैंगनी किरणों का अवशोषित कर लेती है। आयन मंडल में संचार उपग्रह व्यवस्थित होती है। आयन मंडल सिग्नल मिला है, आयन मंडल, आयन मंडल में यानी कि टीवी सिग्नल हो गया या फिर जो भी सेटेलाइट वगैरह जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, आयन मंडल में होते हैं। ही करे वायुमंडल, वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। हा से हाइड्रोजन, ही से हीलियम। तो फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियो में हम और भी भूकंप वगैरह हो गए और भी जो भी ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं वो मैं देखूंगा और बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे के वीडियो में देखूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और भी जो भी आपके सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इट्स ओके, थैंक्स अ लॉट।